सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे चैनल के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एक समाचार चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक नीरव ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि फरवरी के अंत तक सभी रिलीव लेटर ले। नीरव ने इसके लिए बकायदा अपने सभी कर्मचारियों को एक ईमेल किया है। समाचार चैनल न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक नीरव ने अपने कर्मचारियों को लिखे ईमेल में कहा कि आप नई नौकरी देख ले, हम आपका बकाया पैसा चुकाने की हालत में नहीं है। नीरव ने यह भी कहा कि वे देश भर में मौजूद अपनी शोरूम बंद कर रहे हैं। बता दें कि दूसरी तरफ 11,360 करोड़ से ज्यादा के घोटाले में मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी और सीबीआई की जांच तेज हो गई है। उनके वकील विजय अग्रवाल का कहना है कि नीरव मोदी भारत लौटेंगे, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं। पीएनबी स्कैम में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद नीरव मोदी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा उनके मुवक्किल भारत लौटेंगे, लेकिन तभी जब इस बात का भरोसा दिया जाए कि मामले की सही तरीके से जांच हो। उन्होंने कहा हर इंसान अपने आप को डिफेंड करता है, वह भी डिफेंड कर रहे हैं, मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ, चार्जशीट में पता चल जाएगा कि पूरा मामला आखिर क्या है। एडवोकेट विजय अग्रवाल ने कहा सीबीआई ने कई मामलों की जांच की है, बाद में क्या हुआ बॉन्ड फॉर्म 2G का हाल सबके सामने है। अगर जांच एजेंसी सब सीज कर देगी तो वो नीरव मोदी पीएनबी को क्या जवाब देंगे, कर्मचारियों को सैलरी कैसे मिलेगी। डेली न्यूज 10 की रिपोर्ट, सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे चैनल को और देखिए न्यूज कभी भी और कहीं पे भी।